एवरीवन माय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स वेलकम टू टोपी वाला। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाऊंगा और वो होगा काइंड्स ऑफ नाउन के ऊपर कि नाउन के कितने प्रकार हैं। जनरली नाउन के 5 प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देखते हुए हमने नाउन को 2 पार्ट में अलग किया है। The first is countable noun, that means जिसको हम count कर सकते हैं, जिसे हम count कर सकते हैं, that is called countable noun। और countable noun में 3 noun को रखा गया, proper noun, common noun, collective noun। proper noun किसे कहते हैं? मतलब जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो उसे बोलेंगे व्यक्तिवाचक, that means प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, जैसे आपसे कोई पूछता है आप कहाँ के रहने वाले हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, यह रूम लेकर के, नहीं, आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं। जब आपसे कोई पूछता है आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप जहाँ से बिलोंग्स करते हैं आप वहाँ का नाम लेते हैं। जहाँ प्रॉपर मतलब आप व्यक्ति विशेष कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप जहाँ के, आप जहाँ आपका जन्म स्थान है आप वहाँ का नाम लेते हैं, जब प्रॉपर का नाम होता है। तो वैसे ही जिस किसी व्यक्ति का, जिस किसी व्यक्ति का या वस्तु का, स्थान का जो विशेष नाम होगा, जो पर्सनल नाम होगा, जो प्रॉपर नाउन होगा, जो स्पेशल नाम होगा, वही उसका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे इस, जैसे आपको पता है यूट्यूब पर जितने चैनल हैं सब बोलते हैं यूट्यूब चैनल, लेकिन ये जो YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल का विशेष नाम क्या है? टोपी वाला। मेरा, वैसे अगर देखा जाए तो मैं टीचर हूँ, लेकिन मैं इस टीचर का कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना, जिस नाम से वो जाना जाता होगा। मेरा नाम है रोहित श्रीवास्तव। वैसे ही आपका, आपके पापा का, या आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का, आप जिस गाँव में रहते हैं उस गाँव का, आप जिस राज्य में रहते होगे उस राज्य का, आप जिस देश में रहते हैं उस देश का कुछ स्पेसिफिक नाम है, जिस नाम से उसे जाना जाता है, वही उसका प्रॉपर नाउन है, वही इसका प्रॉपर नाउन है। अब जैसे सीधी सी बात है, मैं जहाँ पर, जिस जगह पर मैं रहता हूँ उस गांव का नाम है मथुरापुर। वैसे ही जिस स्टेट में मैं रहता हूँ उसका नाम है बिहार या यूपी या MP, मध्य प्रदेश। वैसे जिस देश में मैं रहता हूँ उस देश का स्पेसिफिक नाम है इंडिया। मैं जिस कॉन्टिनेंट में रहता हूं उस कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? एशिया। वैसे ही तो सीधी सी बात है कि जो प्रॉपर, जो स्पेसिफिक नेम है उसे बोलेंगे प्रॉपर नाउन। लेकिन जब उसका स्पेसिफिक नाउन नेम नहीं बोल के हम जनरल नाम बोलते हैं, जैसे जनरली लोग मुझे किस, अगर जो लोग मुझे नाम से नहीं जानते हैं वो लोग मुझे क्या बोलेंगे? या तो कोई लड़का है बोल देंगे, मतलब बॉय, या तो भाई कोई आदमी है, मैन, कोई टीचर है, टीचर, मतलब अपना, जब आप, जो लोग मेरा स्पेशल नेम नहीं जानेंगे और उसके बाद जो जनरली लोग जो मुझे देख करके पहचानेंगे और देख करके मुझे बुलाएंगे, वही नाम उसका हो जाएगा कॉमन नाउन, सामान्य संज्ञा। यस, तो कॉमन नाउन हो जाएगा वो। देख लिया यहाँ पे कॉमन नाउन क्या है? बॉय, किसी लड़का का। यदि कोई नाम नहीं जानता तो क्या बोलेगा? लड़का। लड़की को बोलेगा लड़की। वैसे ही कोई एनिमल की बात करें, ये तो कोई पर्सन हो गया। किसी प्लेस, प्लेस की बात करें, अगर आप, अगर जैसे मान लो कि आपको कहीं जाना है, तो भाई मुझे तो मुझे दूसरे गांव में जाना है, दूसरे गांव में जाना बोले, उस गांव का स्पेसिफिक नेम नहीं बोला, बोला मुझे दूसरे गांव में जाना है, तो उस गांव ने गांव बोल दिया, तो क्या है? किसी भी गांव को, जनरल किसी भी गांव को गांव कह देते हैं, किसी भी जिला को जिला कह देते हैं, सामान्य रूप से जिला ही तो कहते हैं ना, किसी भी राज्य को सामान्य रूप से राज्य कह देते हैं, किसी भी देश को सामान्य रूप से देश ही तो कहते हैं ना, तो जो सामान्य रूप से कहा जाए वही क्या है? कॉमन नाउन है। वैसे ही किसी भी लड़का को क्या बोलेंगे? लड़का बोलेंगे, माँ बाप उसको बेटा बोलेंगे, अगर यहां कहीं पढ़ रहा है तो स्टूडेंट बोलेंगे, तो सारे स्टूडेंट को क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। सामान्य रूप से सभी स्टूडेंट कहे जाते हैं, वही स्टूडेंट कॉमन नाउन है, टीचर कॉमन नाउन है। अब देखो, कैट, डॉग, टाइगर, लायन, ये सब कॉमन नाउन है, क्योंकि टाइगर को हम टाइगर ही बोलेंगे, लायन को लायन ही बोलेंगे, डॉग को सभी लोग डॉग ही बोलेंगे सामान्य रूप से। हाँ, अगर उस डॉग को अगर आप पाल रहे हो तो उसका आपने कुछ ना कुछ नाम जरूर रखा होगा, वो उसका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि आप उसको व्यक्ति विशेष, विशेष रूप से उस नाम से बुलाते हैं। जैसे मोती, शेरू, डॉगी, टॉमी, ब्रूनो वगैरह, जो भी बहुत सारे नाम है इसमें, तो इस, जो उसका स्पेसिफिक नेम होगा वो प्रॉपर होगा, और सामान्य रूप से वो जिस नाम से जाना जाएगा वो उसका कॉमन नाउन होगा।
यहाँ तक क्लियर है? मैं कुछ ऐसे कॉलेक्टिव नाउन को मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे होते बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं कुछ का यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। जैसे क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, पीपल अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। पीपल, पीपल मीन्स क्या होता है? लोग। पीपल मीन्स क्या होता है? लोग। तो लोग से क्या संसार है? लोग मतलब कितने होंगे, एक होंगे या ज्यादा होंगे? ज्यादा होंगे। तो लोग, इसलिए ये लोग क्या है, ज्यादा का सेंस आ रहा है लोग बोलने से, लोग इतने सारे लोग, तो लोग बोले जा रहा है, ज्यादा का सेंस आ रहा है, इसलिए पीपल जो है वो प्लूरल नाउन है। तो पीपल, क्राउड ऑफ पीपल मतलब लोगों का समूह। जैसे अगर आप रास्ते पे सड़क पे चल रहे हो तो वहां बहुत सारे लोग चल रहे हैं, वो भीड़ है एक तरीके से, तो उस सेंस में आएगा क्राउड ऑफ पीपल। लेकिन अगर वही सारे लोग दंगा करने लग जाएंगे, उथल पुथल करने लग जाएंगे, तो उनका क्या हो, दंगाइयों का समूह हो जाएगा, तो उस केस में उनको बोलेंगे मॉब ऑफ पीपल, MOB, मॉब, मॉब ऑफ पीपल बोलेंगे इसको, मॉब ऑफ पीपल, अगर वो दंगा करने लग जाएंगे तो। वैसे ही अगर आपके क्लास में कोई स्टूडेंट का समूह है तो क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि वह क्या है, एक डिसिप्लिन के साथ होते हैं, एक अच्छा समूह होता है, इसलिए इसको बोलेंगे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। हाँ, अगर वही स्टूडेंट अगर किसी खेल के मैदान में है तो बोलेंगे टीम ऑफ प्लेयर्स। क्या बोलेंगे? टीम ऑफ प्लेयर्स, क्योंकि वहां पे वो प्लेयर बन जाएंगे सारे और उनका एक टीम होता है। इसलिए अगर वही सारे स्टूडेंट, वही सारे लोग अगर किसी बैंड में काम करेंगे तो बोलेंगे बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, क्योंकि म्यूजिक बजा रहे होंगे। तो डांस, डांस करेंगे तो बोलेंगे ट्रूप। क्या बोलेंगे? ट्रूप ऑफ डांसर्स, ट्रूप ऑफ डांसर्स, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अगर खेल रहे हैं तो टीम ऑफ प्लेयर्स, ऐसे है ना, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अलग अलग, अगर वही सारे, अगर गंदे लोगों का समूह है तो बोलेंगे जैसे चोर का, पॉकेट मार का, डाकुओं का, उसको उसे क्या होता है, उसका गैंग होता है, गैंग, यानी गैंग ऑफ रॉबर्स। चाबी का गुच्छा है तो उसके उसको बोलेंगे बंच ऑफ की, है ना, अंगूर का है तो बंच ऑफ ग्रेप्स। तो हर किसी के समूह का एक अलग नाम है। अच्छा, समूह से एक चीज याद आ गया कि समूह में दो तरह का समूह होता है, एक वो भी होता है जो काउंटेबल होता है, जैसे कि मैंने बताया आदमी का, जानवर का, फल का, हर कुछ का गुच्छा हो तो वहां पे उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब कभी वो चीज कलेक्टिव फॉर्म में हो, जैसे आटा हो, चावल हो, गेहूं हो, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो फिर जब उसको काउंट नहीं कर सकते, फिर कॉलेक्टिव नाउन काउंटेबल में क्यों आया, क्वेश्चन क्यों? मैंने बताया था ना कि एग्जाम में व्हाट, बुक में व्हाट लिखा होता है और टीचर हाउ पढ़ाते हैं, हाउ कैसे हुआ, मैं आपको व्हाई पढ़ाऊंगा, क्यों। मैंने बताया था आपको एक कॉलेक्टिव नाउन में दो तरह के नाउन आते हैं, एक तो वो जिसको काउंट कर सकते हैं, जैसे लोगों का समूह, जानवर का समूह, पेड़ पौधा का जो एक एक तरीके से समूह हो जाएगा, वैसे ही कुछ चीज़ है जिसको काउंट कर सकते हो, उसका झुंड होगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको गट्ठर में, मोटरी में, ऐसा उसको इकट्ठा करते हैं, वो उसको काउंट नहीं करते। जैसे अनाज, जैसे हम दाल, चावल, कुछ भी लेते हैं, अगर हम दूध की बात, दूध को भी इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह, तो उसको काउंट नहीं करते हैं। हाँ, उसको काउंट नहीं करते हैं, लेकिन वो फिर भी वो इसलिए कॉलेक्टिव नाउन काउंटेबल में आया क्योंकि उसको काउंट नहीं करते हैं, उसके कॉलेक्टिव फॉर्म को काउंट करते हैं। जैसे मैंने बताया a group of students, यानी विद्यार्थियों का एक समूह, तो हम एक समूह, समूह को काउंट कर रहे हैं, ना कि विद्यार्थियों को काउंट कर रहे हैं। तो a group of students, है ना, a crowd of people मतलब लोगों का एक समूह, है ना, a troop of dancers, यहां पे और कर सकते हैं इसको, यहां पे, है ना, तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये यहां पे सब, है ना। एक यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ मॉब ऑफ पीपल, दंगाइयों का एक समूह, एक समूह। वैसे क्या होगा, अ हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड यानी मवेशियों का झुंड, है ना, एन आर्मी ऑफ एंट्स, जो चींटी, ये चींटी जब एक लगातार मतलब एक लाइन में जब चलती है चींटी, तो आप देखेंगे कि काफी वो एक एक लाइन से ही चलती है, उसको बोल गए एन आर्मी ऑफ आंट्स। तो फ्रेंड्स, आज का यही क्लास रहा, अगर आपको पसंद आया हो आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज। ओके, जय हिंद।